अरे वहां से बैठने बोल ना हम लोग गाड़ी आगे बाजू वाला रूम जो है हमारे रूम के ऊपर आके गिरा, वो चार महले का था, पूरा हमारे रूम के ऊपर आके गिरा और बच्चे स्कूल चल गए थे, इसके वजह से बच गए बच्चे, नहीं तो सब दब गए होते। और हम लोग नीचे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, आवाज आया, एक बैग भागे, एक गूंगा लड़का था, उसके पैर में जख्म हुई, थोड़ी लगी चोट, बाकी और ऐसा 9 आदमी भी फंसे पड़े हुए हैं अंदर बच्चे। काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो बोलता ना यार, जितने भी है पूरे हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के, मैं तो उन लोगों से दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको भी सलामत रखे और फायर ब्रिगेड वाले को भी अच्छा रखे, उनको उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और हर काम है, सबने काम है इतना अपना निभाया, पुलिस से लेके हर आदमी, एम्बुलेंस से लेके हर चीज अपने वक्त पे आई और अपने अपना काम पे अंजाम उन्होंने दिया। ये हादसा कुछ नहीं है, कमजोरी के, ये कई साल हो गए इन लोगों रिपेयरिंग नहीं हुई है बस, और कोई हादसा नहीं है, किसी ने कोई साजिश नहीं है, किसी की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ इतना है कि रिपेयरिंग नहीं हुआ था, मेंटेनेंस नहीं हुआ था, इस वजह से बरसात की वजह से मेंटेनेंस नहीं हुआ था, गिर गया।